तो गाइज आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी को रियलमी की तरफ से आने वाले तीन सबसे बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में बताया है जो कि मार्केट में आपको 20,000 या फिर 20,000 के नीचे के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाते हैं। और इन तीनों स्मार्टफोन में आपको बेस्ट डिस्प्ले मिलती है, बेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलता है और बेस्ट बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा और साथ ही आपको कैमरा भी यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी का देखने को मिलने वाला है। तो ये तीनों ही फ़ोन आपको काफ़ी तगड़े स्पेसिफिकेशन के साथ मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। तो वैसे तो गाइस रियलमी के काफ़ी सारे मोबाइल जो है वो 20,000 के नीचे के प्राइस रेंज में आपको अभी मार्केट में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उन सभी स्मार्टफोन में से मैंने इन तीन स्मार्टफोन को आपके लिए पसंद किया है क्योंकि ये उन सारे मोबाइल से दोस्तों बेस्ट है और इनमें जो आपको स्पेसिफिकेशन मिलता है वो उनके प्राइस के हिसाब से काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाता है। तो ये वीडियो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अभी से एक लाइक ज़रूर कर दे और साथ ही अगर ऐसे ही और वीडियोस भी फ्यूचर में आपको चाहिए तो चैनल को भी बेशक सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए गाइस अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे इस लिस्ट के तीसरे नंबर के स्मार्टफोन की, तो ये है रियलमी 7। यहाँ पर आपको 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट 16,999 यानी कि 17,000 रुपये में देखने को मिल जाता है और 6GB वाला वेरिएंट आपको 15,000 रुपये में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है और साथ में आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर 90Hz का रिफ्रेश रेट है तो यहाँ पर मोबाइल एकदम ही दोस्तों स्मूथ चलने वाला है और साथ में फुल HD प्लस डिस्प्ले भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है लेकिन यहाँ पर 15-16 हज़ार की प्राइस में दोस्तों एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलती है। तो यहाँ पर IPS LCD के साथ आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर अगर प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio का G95 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है दोस्तों। गेमिंग, कैमरा सब कुछ आपको यहाँ पर इस प्रोसेसर की मदद से बेटर क्वालिटी का देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आप दोस्तों गेमिंग भी कर पाएंगे और हैवी टास्क भी दोस्तों आप यहाँ पर कंप्लीट कर पाएंगे इस प्रोसेसर के साथ। और यहाँ पर अगर इस प्रोसेसर की अंतुतु स्कोर की बात करें तो यहाँ पर इसका जो अंतुतु स्कोर है वो है गाइस 2,90,000 प्लस स्कोर दोस्तों यहाँ पर अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाता है MediaTek Helio G95 प्रोसेसर का। और यहाँ पर आपको दोस्तों 4500 mAh की एक बैटरी देखने को मिलती है और साथ में आपको 30W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है जो कि करीब 60 या फिर 65 मिनट में आपके मोबाइल को फुल चार्ज कर देगा। और यहाँ पर अगर बात करें कैमरा की तो यहाँ पर दोस्तों आपको बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहाँ पर सबसे पहला मेन सेंसर यहाँ पर आपको 64MP का देखने को मिलता है, उसके बाद 8MP का एक अल्ट्रा वाइड, 2MP का एक मैक्रो और 2MP का डेप्थ सेंसर आपको देखने को मिल जाता है। 16MP का यहाँ पर आपको सेल्फी कैमरा भी गाइस देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर सारे फीचर्स यहाँ पर इस मोबाइल के देखें तो 16-17 हज़ार की प्राइस रेंज में आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्पेक्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी अच्छी मिल रही है और यहाँ पर प्रोसेसर भी आपको एक काफ़ी पावरफुल चिपसेट मिल रहा है और बैटरी, कैमरा सब कुछ दोस्तों यहाँ पर आपको बढ़िया देखने को मिल जाता है। तो अंडर 20,000 में ये ऑप्शन भी गाइस आपके लिए अवेलेबल रहता है रियलमी 7। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारे इस लिस्ट के दूसरे नंबर के स्मार्टफोन की, तो यह है गाइज रियलमी X2। तो ये स्मार्टफोन को दोस्तों लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, थोड़ा सा पुराना ज़रूर है लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस है वो गाइज अभी भी टक्कर देता है रियलमी के लेटेस्ट स्मार्टफोन को। तो यहाँ पर दोस्तों इस मोबाइल में आपको 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरियंट जो है वो 20,999 रुपये में यानी कि 21,000 में देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप बैंक वगैरह का ऑफर लगाएंगे तो ये मोबाइल आपको 20,000 के नीचे के प्राइस में देखने को मिल जाएगा या फिर 20,000 तक आपको डेफिनेटली 100% देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। जी हाँ गाइस, यहाँ पर आपको एमोलेड पैनल देखने को मिल जाएगा और साथ में यहाँ पर आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है जो कि थोड़ा सा कम ज़रूर है लेकिन यहाँ पर सुपर एमोलेड पैनल मिल रहा है तो यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 730G वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि एक काफ़ी पावरफुल चिपसेट है दोस्तों और इससे आप काफ़ी हैवी गेमिंग भी कर पाएंगे, पबजी, फ्री फायर वगैरह कोई भी गेम आप दोस्तों हाई सेटिंग पर खेल पाएंगे। और यहाँ पर अगर इस प्रोसेसर के अंतुतु स्कोर की बात करें तो यहाँ पर इसका जो अंतुतु स्कोर है वो है गाइस 2,65,000 प्लस यहाँ पर इसका अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर अगर बैटरी की बात करें तो यहाँ पर 4,000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है जो कि थोड़ी सी कम ज़रूर है लेकिन साथ में आपको 30W का वुक चार्जर भी देखने को
मिल जाता है, जो कि 60 मिनट या फिर 65 मिनट में आपके मोबाइल को पूरा चार्ज कर देगा। तो यहाँ पर बैटरी के मामले में यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है यहाँ पर, लेकिन डे टू डे यूजेज में पूरे दिन तक बैटरी आराम से दोस्तों निकल जाएगा। और यहाँ पर अगर कैमरा की बात करें तो यहाँ पर भी आपको दोस्तों सेम वही क्वाड सेटअप बैक साइड में आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पर 64 मेगापिक्सल का एक मेन सेंसर है, उसके बाद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। लेकिन यहाँ पर आपको सेल्फी कैमरा जो है वो गाइस 32 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, जबकि यहाँ पर रियलमी 7 में आपको सिर्फ 16 मेगापिक्सल का ही देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर 20,000 की प्राइस में गाइस ये मोबाइल भी आपके लिए अवेलेबल रहता है, और थोड़ा सा पुराना ज़रूर है, लेकिन गाइस अभी भी दिखने में स्टाइलिश और बहुत ही शानदार स्पेक्स के साथ आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे इस लिस्ट के सबसे पहले नंबर के स्मार्टफोन की, तो यह है गाइज रियलमी 7 प्रो। यहाँ पर आपको 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज 20,999 रुपये में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी आपको बैंक वगैरह का कमीशन लगाकर ये मोबाइल आपको 20,000 या फिर 19,000 तक आपको मार्केट में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको 6GB रैम ही मिल रही है, लेकिन यहाँ पर इसे मैंने पहले नंबर पर रखा है क्योंकि आगे जो मैं आपको वीडियो में इसके स्पेक्स बताने वाला हूँ वो गाइस बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर भी आपको एमोलेड पैनल देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो कि थोड़ा सा कम ज़रूर है, लेकिन एमोलेड डिस्प्ले है तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। और यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसका अंतुतु स्कोर 2,84,000 प्लस देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको 4,500 mAh की एक बैटरी देखने को मिलती है, और साथ में आपको 65W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है, जो कि करीब 30 या फिर 35 मिनट में ही आपके मोबाइल को 0 से 100% चार्ज कर देता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और बैटरी भी यहाँ पर आपको 4,500 mAh की मिल रही है, तो पूरे दिन दोस्तों आप आराम से इस मोबाइल पर गेमिंग या फिर डे टू डे यूज़ भी आप कर पाएंगे। तो बैटरी और परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर बात करें यहाँ पर कैमरा की, तो यहाँ पर भी आपको सेम वही कैमरे देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, जो आपको पिछले दो मोबाइल में देखने को मिले थे। तो यहाँ पर आपको बैक साइड में 64 मेगापिक्सल का एक मेन सेंसर, उसके बाद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर भी आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर Realme X2 के कंपैरिजन में यहाँ पर जो इसका कैमरा है वो गाइस काफ़ी ऑप्टिमाइज है, तो यहाँ पर आपको कैमरा क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी बेटर देखने को मिलेगी Realme X2 के मुकाबले में। और प्राइस तो यहाँ पर दोनों की सेम ही है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो कैमरा क्वालिटी है वो गाइस अच्छा देखने को मिलेगा, और साथ में यहाँ पर 65W का फास्ट चार्जिंग भी आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो गाइस यहाँ पर Realme X2 का यहाँ पर ज़्यादा बेटर है, 730G वाला है, लेकिन जो अंतुतु स्कोर आया है वो गज यहाँ पर 720G यानी कि रियलमी 7 प्रो का ज़्यादा आया है। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा मोबाइल आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप 20,000 तक का बजट नहीं रखते हैं, 16-17,000 तक का रखते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए रियलमी 7 बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप 20,000 तक का बजट रखते हैं तो रियलमी 7 प्रो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दिखने में भी काफ़ी स्टाइलिश दिखता है। रियलमी X2 जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर ओल्ड हो चुका है, लेकिन उसमें जो स्पेसिफिकेशन वो आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं, इसलिए मैंने इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर उस स्मार्टफोन को रखा है। तो अगर आप कोई ऐसा फ़ोन चाहते हैं जिस पर आप हाई सेटिंग पर गेमिंग खेल पाए और हैवी यूजेस भी कर पाए और यहाँ पर हाई क्वालिटी के फ़ोटोज़ भी खींच पाए, तो यहाँ पर आपके लिए रियलमी X2 और रियलमी 7 प्रो दोनों ही यहाँ पर आपके लिए बेस्ट है। लेकिन यहाँ पर मैं अगर अपना ओपिनियन आपको दूँ तो यहाँ पर रियलमी 7 प्रो दोस्तों मुझे बेटर लगता है इन तीनों स्मार्टफोन में, क्योंकि थोड़ा सा लेटेस्ट है, तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस और कैमरा क्वालिटी वो भी यहाँ पर आपको थोड़ी सी बेटर देखने को मिल जाती है उन दोनों ही स्मार्टफोन से। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इन तीनों स्मार्टफोन में से कौन सा मोबाइल अच्छा लगा है। और वीडियो को अगर यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर देना, और ऐसे ही और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।